कब्जा माफिया मंशा बम और इसके हवारी एलडीए अफसरान की नई कहानी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून रुखसाना ने एलडीए और मंशा बम के गठजोड़ का पोल खोल दिया। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून ने कहा कि मंशा बम के फ्रंटमैन डायरेक्टर एलडीए नौमान ने 10 करोड़ का फ्रॉड किया, अब जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं बेवा औरत हूं, मेरा एक बेटा है, अब हमें जान की धमकियां दी जा रही हैं कि आप वापस चले जाएं या हम मतलब आपको मार देंगे। हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई आपने की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। खातून का कहना था कि जाली कागजात बनाकर मुझे प्लॉट दिए गए। फ्रॉड में एलडीए मुलाजमीन एडी महमूद अहमद, स्टेट अफसर नदीम आबिद, इंस्पेक्टर राणा शफकत और शब्बीर अहमद भी शामिल हैं। मंशा बम मियां महमूद और ये उनके साथ जो शामिल अफसरान एलडीए के, उन लोगों ने मिली भुगत करके हमें धोखा दही से हमारे 10 करोड़ का फ्रॉड किया है। बरतानवी शहरी रुखसाना के वकील सलीम चौधरी ने बताया कि उन्हें प्लॉट के कब्जे भी दिए जो किसी और के थे। एलडीए डायरेक्टर नौमान ने कहा कि प्लॉट ठीक हैं, ले लें। जो प्लॉट दिखाया गया जो टाउन में कि ये प्लॉट आपके हैं बकायदा, और मुझे हैरानी इस बात की है कि जो प्लॉट दिखाया गया उसका कब्जा भी दिया गया, वो प्लॉट ही गवर्नमेंट के हैं, प्लॉट इनके नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी निजात खातून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की, कहा अगर इंसाफ ना मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।